दोस्तों, कहते हैं कि अगर इंसान इरादा करे तो उसके लिए कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है। दोस्तों, मेरा नाम रोहित मुंजाल है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल किसान जंक्शन पर। आज दोस्तों हम आए हुए हैं गांव नगला, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा में, और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं केवल 27 वर्ष के एक ऐसे युवक से, एक ऐसे किसान से जिसने आज पूरे क्षेत्र के अंदर अपना नाम किया, अपने परिवार का नाम किया और आज फिश किंग के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं पंकज राणा जी के साथ। आइए, हम आपको सीधे लेकर चलते हैं पंकज जी के साथ। नमस्कार पंकज जी। नमस्कार जी। नमस्कार। तो पंकज जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जहाँ पर आज किसान परंपरागत के तरीके से खेती करता है, गेहूँ की, धान की, उसके बाद आपने आज फिशरी को, मछली पालन को ही क्यों चुना? सर, ऐसे था, 2006 से लेके 2008 तक मेरे पिताजी बहुत ही ज़्यादा बीमार थे, खेती वो करते थे जी। तो 2008 में वो स्वर्गवास हो चुके थे जी, किसी बीमारी के कारण। पिताजी के जाने के बाद मेरे को कोई काम और समझ नहीं आया, तो मैंने खेती संभाल ली जी। 5 साल दिन रात मेहनत करने के बाद ना ही घर का गुजारा चला है और ना ही कोई इनकम का सोर्स बना है जी। खेती में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। एक मेरे मित्र हैं करनाल से जी, तो उन्होंने मछली पालन का काम किया हुआ था जी। तो मैं उनके पास गया, मैं कहा भैया जी ऐसे ऐसे बात है, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। उन्होंने बोला भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे करो, खेती छोड़ो, मछली पालन का काम करो जी। मैंने उनकी बात मान के थोड़े से आधे एकड़ में काम किया स्टार्टिंग में जी, रेंट पे लेके पंचायत के तालाब पे, वहाँ मैंने सीड्स छोड़ा है। सीड्स छोड़ने के बाद जी मेरे को जो भी मैंने हिसाब किताब सारा लगाया, कैलकुलेशन करने के बाद 4-5 महीने में मेरे को 60-70 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हुआ है। फिर मैंने अपनी ज़मीन में एक खोद दिया है, एक किले में तालाब बनाया है। तालाब बनाने के बाद फिर मैंने काम किया, 7वां साल लग गया मेरे को काम करते हुए, 6-7 साल हो चुके हैं जी। अभी आप बता रहे थे कि आपको तकरीबन 6 साल हो गए हैं फिशरी का काम करते, मछली पालन का काम करते हुए, तो इन 6 साल के दौरान आपका क्या अनुभव रहा? क्या परंपरागत तरीके से जो खेती कर रहे थे और जो मछली पालन किया, कितनी गुना आमदनी का, कितनी आमदनी का आपको दोनों में अंतर नजर आया? मान लो एक साल में अगर खेती में 1 लाख रुपए बचता है, तो इसमें एक साल में कम से कम 5-5.5 लाख-6 लाख रुपए इनकम है जी। तो इसमें आप पंकज जी हमें बताएं कि आपने मछली पालन शुरू करने से पहले कहीं ट्रेनिंग वगैरह भी ली थी? सर, करनाल NDRI में ट्रेनिंग ली थी मैंने जी, जो कि 1 हफ्ते की ट्रेनिंग थी जी। उसके बाद हिसार यूनिवर्सिटी है जी एग्रीकल्चर की जी, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग ली है जी। वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद फिर मैंने काम प्रॉपर तरीके से काम स्टार्ट किया है। अब कहीं और पंचायत के तालाबों में भी काम कर रखा है मैंने, अपने खेत में भी कर रखा है काम जी। अब मेरे साथ कम से कम 10 से 12 लोग जो मेरे तरीके से काम कर रहे हैं जी, फार्मर हैं, फिश फार्मर जी, उनको हर चीज़ की मैं ही फैसिलिटी देता हूँ जी। अपना फीड हो गया, सीड हो गया, मेडिसिन हो गई जी, किसी चीज़ की भी कोई दिक्कत आती है तो मैं उनके फार्म पे जाता हूँ, मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहा हूँ, जिससे वो भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, अच्छी इनकम का सोर्स बना हुआ है। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब वो कहते हैं भी भाई साहब आपकी वजह से अब घर में जो खेती करते थे उससे इनकम कुछ अच्छी आ रही है, पहले फसलों से अब हम काम कम कर रहे हैं उससे ज़्यादा इनकम आ रही है। तो मैं ये जानना चाहूँगा पंकज जी, आपने कितनी तरह की मछली पालन, कितनी तरह की ब्रीड अपने पोंड के अंदर, अपने तालाब में रखी हुई हैं या पाली हैं? सर, स्टार्टिंग से तो मैंने रहू, कतला, गोल्डन जी, अपना इनकी खेती करी थी जी। तो उसके बाद जैसे ही मैं ट्रेनिंग लेके आया हूँ जी, ट्रेनिंग लेने के बाद फिर मैंने सीड्स का काम कर लिया है जी। अब इस टाइम मेरे पास गोल्डन का बच्चा अवेलेबल है जी, जो कि अभी फरवरी के मार्च में ब्रीडिंग स्टार्ट होगी। कुछ ओल्ड रुका हुआ स्टॉक है अपने पास जी, तो फंगास की खेती की है मैंने जी, रूपचंदा की है जी, अपना रहू, कतला, गोल्डन, मुराखी होगी जी, ये सारी सर मैं फिश वो करता हूँ। हमने कुछ सीड्स ऐसे अवेलेबल कराई हैं जिससे प्रॉफिट ज़्यादा हो, लागत कम हो जी, जो कम टाइम में ज़्यादा जल्दी तैयार हो मछली जी, ताकि किसान को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े जी। वो हमारे पास सीड्स हैं जी, फंगास होगी, कतला हो गया, गोल्डन, ये बहुत ही 3-4 महीने में आराम से तैयार हो जाती है फसल के टाइम पे जी। तो इनका रेट भी अच्छा होता है जी। एक और इसका सर बेनिफिट अच्छा है, जैसे हर महीने नेटिंग होती है इसकी जी, नेटिंग होने के बाद सर इसमें ऐसा हो जाता है भी कई बार घर में पैसे नहीं होते खर्चा चलाने के लिए, भी हर महीने कोई इनकम नहीं आ रही जिम्मेदार की,
तो हम नेटिंग कराते हैं 10-15-20 हज़ार का माल ना सर तैयार मिलता है हमारे को जी। जो 1-2 क्विंटल बड़ा माल हो जाता है वो हमारे तालाब से ही ले जाते हैं, अच्छा रेट दे के जाते हैं हमारे को, और नगद का काम है। सीड भी आप खुद ही बना रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। आप कोई किसान भाई आपसे सीड लेना चाहता है तो आपसे संपर्क कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मार्केट से रेट कम है जी। और हम भी सोचते हैं भी जैसे ही हमने धक्के खाए हैं ऐसे ही कोई फार्मर और धक्के ना खाए जी, उसको कम से कम रेट पे हम हर सामान की व्यवस्था करा देते हैं जी। ये थे हमारे किसान भाई पंकज राणा जी हमारे साथ। हमारा प्रोग्राम देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और भी अन्य किसानों के पास हमारा संदेश पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।